और यहाँ तक मुझे लाने का सारा श्रेय मैं मधु चतुर्वेदी जी को देती हूँ और अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि राम चर्चा में राम नाम की गंगा में हम लोग कल से डुबकियाँ लगा रहे हैं और मैं धन्य हूँ इस चर्चा का हिस्सेदार बनने के लिए। समय न लेते हुए मैं अपने विचारों पे आती हूँ। जैसे कि मेरा विषय है कि सीता का परित्याग मर्यादा की पराकाष्ठा, यही मर्यादा की पराकाष्ठा है राम के जो जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उससे जो भी उसमें छुपी हुई बातें हैं वो आप लोग अपने हिसाब से उनको लेते जाइएगा। जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम की बात उठती है एक ही नाम ध्यान आता है, राम। फिर भी राम पर प्रश्न उठाए जाते हैं, कभी सोचा है क्यों? प्रश्न उठ ही इसलिए रहे हैं कि हमारे पास एक व्यक्तित्व है राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमें अवसर दे रहा है प्रश्न करने का। यदि वो ना होता तो आज ये विशेषण ही हमारे पास ना होता और हम किसके ऊपर प्रश्न उठा रहे होते। आप स्वयं को भाग्यशाली जानिए कि आज आपके पास एक ऐसा चरित्र है जिससे आप ये प्रश्न पूछ पा रहे हैं। पर मुझे लगता है जिस बिंदु पर आधुनिक समाज राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है वही उसकी मर्यादा की पराकाष्ठा है। ऐसे ही नहीं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा में रहकर जीना सर्वथा कठिन काम है, ये राम के जीवन चरित्र से देखने को मिलता है। पग पग जीवन आपको आजमाता है और न केवल आपको दुख सहने पड़ते हैं वरन अपनों को दुख देने भी पड़ते हैं। यहाँ तक कि अनंत काल तक आप पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, इसके बावजूद भी आप मर्यादा का पालन करते हैं या स्वयं की छवि और न्याय न्याय का विचार करते हैं। अत्यंत कठिन होता है चली आ रही मर्यादाओं को निभाना और एक नए सामाजिक मूल्यों को निर्धारित करना, समाज में उन्हें प्रतिष्ठापित करना जो सर्वमान्य हो, सबको स्वीकार्य हो। राम ने आने वाले समय के लिए चली आ रही परंपराओं का निर्वहन भी किया, मर्यादा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया व अपनी प्रजा को संतुष्ट भी किया। इतिहास के गर्भ में जाकर देखें तो ज्ञात होगा कोई भी निर्धारित संविधान उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार ही अपने तत्कालीन स्वरूप को प्राप्त होता है। ये यकायक बनाए हुए नियम व्यवस्था नहीं होते और उनका पालन करना ही तत्कालीन लोगों का धर्म होता है। इस संविधान को नकारना उतना ही अनुचित है जितना आज के समय में आज के संविधान को नकार पाना। आज भी हमारे संविधान में ऐसी कई बातें होंगी जो लोगों को अनुचित लग सकती हैं, फिर भी सबको उनका पालन करना सबके लिए अपेक्षित होता है। राम ने अपना संपूर्ण जीवन मर्यादा में व्यतीत किया। राम एक अति संवेदनशील व्यक्ति थे जिसका बोध होने पर विश्वामित्र ने उन्हें सीता के लिए उपयुक्त वर माना और उन्हें मिथिला ले जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से पहले उन्हें राम की स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता भी परखनी थी, जिसमें राम उत्तीर्ण हुए और विश्वामित्र ने अपने निर्णय को निश्चय में बदला। ये संवेदनशील राम जब बिना पद का एक स्वतंत्र व्यक्ति है, शिष्य है, राजकुमार है और उसकी प्रतिक्रिया पर कोई राजनैतिक दबाव नहीं है तो अहिल्या के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता है, परंतु जब वो राजा बनता है तो राजधर्म की मर्यादा के सम्मुख उसे अपनी संवेदना को नियंत्रित करना पड़ता है। पति धर्म एवं राजधर्म में से उसे एक को वरीयता देनी पड़ती है। व्यक्ति बिंदु है और राज्य प्रजा एक सिंधु, सिंधु के समक्ष बिंदु गौड़ है, नगण्य है, अतः उसे सही दिशा चुननी पड़ती है कि एक राजा की संवेदना किस ओर सही है, अपने रिश्ते के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति या प्रजा के प्रति। तब वह राजधर्म की मर्यादा को निज संवेदना से ऊपर स्थान देता है और अपने राजधर्म का पालन करता है। एक राजा का कर्तव्य निज सुख को कभी प्राथमिकता नहीं देता। एक व्यक्ति के प्रेम की अपेक्षा राष्ट्र का हित, सुख, सुरक्षा एवं जन संतोष ही सर्वोपरि है। तमाम विचार विमर्श एवं अंतर द्वंद का सामना करते हुए राम ने जब ये निर्णय लिया होगा तो उनके हृदय में अपनी प्रजा के लिए कितना स्नेह और जिम्मेदारी का भाव रहा होगा कि उन्होंने निज सुख को त्याग कर यह निर्णय लिया और आगे चलकर राजा की प्रजा के प्रति इसी निष्ठा ने राम राज्य जैसे विशेषण को जन्म दिया। जब वह पुत्र है, एक स्वतंत्र है और जब वह राजा है तो मर्यादा पालन कर रहा है जो वह अहिल्या के साथ कर सके सीता के साथ नहीं कर पाए। मूर्तिवत अहिल्या को तो प्राणवान किया पर जीवित सीता को मूर्तिमान करके यज्ञ संपन्न किया, लेकिन अपने जीवन में दूसरी स्त्री को स्थान नहीं दिया। लोग कहते हैं शंकर का प्रेम सती के प्रति अद्भुत था। राम शंकर से स्वतंत्र कहाँ है, वह मर्यादा से बंधा है। स्वतंत्र होता तो वह भी दक्ष यज्ञ की भांति सब तहस नहस कर डालता, पर वह तो प्रजापालक है, किसे तहस नहस करे। ये एक स्वतंत्र साधारण नागरिक और राजा की मर्यादा से बंधे व्यक्ति का भेद है।
जब पद पर नहीं है तब कितने आप निर्भर है निर्णय लेने के लिए, पद पर कितने दिन, इतने दिन के अपने दुख को प्रकट कर दुर्बल राजा की भी छवि नहीं बना सकते। वनवासी राम विरह में रुदन करता है पर राजा राम नहीं। वो नित अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। राम जैसा स्नेहिल व्यक्ति जो लक्ष्मण की शक्ति लगने पर फूट फूट कर रोया हो वो अपने नवजात तक को देख ना सका, ना उनके बढ़ने का सुख देख सका, उसकी पीड़ा अनिर्वचनीय है। दशरथ जैसा वात्सल्य उसकी भाग्य में नहीं है। जहां तुलसीदास जी लिख गए कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैं जनिया, और राम के हिस्से में आई ये मेरी पंक्तियां हैं, सुनो वैदेही तेरी रातों से बढ़कर मेरी रातें सुनी हैं, तेरी बाहों में लव और कुश मेरी बाहें सुनी हैं। तो क्यों ना इस विचार को अब राजा दशरथ और राजा राम से भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लिया जाए। हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह पुत्र धर्म और राजधर्म। यदि हम इन दोनों बिंदुओं पर विचार करें तो पाएंगे कि राम पर सर्वाधिक प्रश्न चिन्ह अपने राजधर्म के काल में लगे। राजा दशरथ ने जब राम को वनवास दिया उस समय की परिस्थितियां क्या थी? राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। ऐसे में कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी ने अपने दो वचनों के वरदान स्वरूप में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्ष ही क्यों, वह आजीवन भी कह सकती थी, पर तत्कालीन संविधान के अनुसार यदि अपेक्षित उत्तराधिकारी 12 वर्ष से अधिक समय राज्य से बाहर गुजारता है, अर्थात राजकाज विहीन जीवन बिताता है और राज्य से संबंधित जिम्मेदारियां नहीं उठाता, तो अपने राजा बनने की योग्यता को खो देता है। इस परिस्थिति में सदा राम की प्रशंसा होती आई है और राजा दशरथ को वचन निभाने के लिए सराहा गया है, परंतु हमने कभी भी राम के साथ अन्याय, कैकेयी द्वारा राजा दशरथ का भावनात्मक शोषण, राज्य का अहित या प्रजा के साथ अन्याय की अधिक आलोचना नहीं की। जबकि राजा दशरथ किसी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे अपितु अपनी प्रिय रानी को दिए वचन पालन हेतु न केवल राजधर्म की अवहेलना की बल्कि अपने ज्येष्ठ एवं अति योग्य पुत्र के साथ अन्याय भी किया। उनके इस वचन पालन में राम की ही मुख्य भूमिका रही, बल्कि राम के ही कारण उनके वचन का पालन हो सका और वो स्वामी जी लिख सके, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न पाई, वचन न जाई, जो आज भी रघुवंशियों की वचनबद्धता को दर्शाती है। यह अनुचित कार्य या अन्याय एक स्त्री के द्वारा पुरुष का और पुरुष के द्वारा पुरुष का था, अतः यह आधुनिक सभ्यता के परिवेश में सामान्यता लिया गया और एक आदर्श रूप में स्थापित हुआ। वहीं दूसरी ओर जटिल अधिक परिस्थितियां हैं। जब राम राजा बने तो मात्र प्रजा अपनी प्रिय रानी नहीं, मात्र प्रजा के असंतोष के कारण अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वनवास दिया और राजधर्म का पालन किया, जिससे राजा राज्य एवं प्रजा के साथ अन्याय न होने पाए। आज इसलिए आलोचना के पात्र हैं क्योंकि ये एक पुरुष द्वारा स्त्री के साथ अन्याय का विषय है। तो लिंग भेद और नारीवाद जैसे शब्दों में मत उलझिए। जबकि तत्कालीन व्यवस्था में शायद स्त्री पुरुष भेदभाव इस रूप में न रहा हो जैसा कि कालांतर में दृष्टिगोचर होता है। सबसे बढ़कर राजपद पर आरूढ़ किए गए व्यक्ति से सभी की अपेक्षाएं कुछ और होती हैं। उसकी मर्यादा एक आम आदमी से आप तुलना ना करें। राजा होने के पश्चात यदि व्यक्ति स्वयं या परिवार का हित देखे, जिसकी हम आज भी निंदा करते हैं भाई भतीजावाद के रूप में, तो कदापि एक राज्य या उसकी प्रजा का अभिभावक होने की योग्यता नहीं रखता। अब आते हैं सीता के अपने संस्कारों पर। सीता कोई बेवकूफ स्त्री नहीं थी, इसलिए कृपया हर आम औरत अपने आप को सीता के समक्ष रखने की कभी जरूरत भी ना करे मेरी नजरों में। सीता के संस्कार क्या थे? राजा जनक विदेहराज किस प्रकार के शासक थे सब जानते हैं। सीता जनक के यहाँ से संस्कार लाई थी कि राजा प्रजा का सेवक होता है, व्यवस्था कारक होता है, स्वामी नहीं, और स्वामी को तुष्ट करना सेवक का धर्म होता है। राजा होकर स्वयं के बारे में सोचना, परिवार व प्रियजनों के बारे में सोचना निश्चय ही राजधर्म नहीं है, आज भी नहीं है। राजा होने के पश्चात यदि व्यक्ति स्वयं या परिवार का हित देखे तो कदापि एक राज्य या उसकी राजा का अभिभावक नहीं हो सकता, योग्य नहीं हो सकता। मानस में तुलसीदास जी ने भरत के मुख से कहलवाया है, सबते सेवक धर्म कठोरा। दूसरों के लिए सोचना इसी भावना का प्रसार करता है जो किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है, अन्यथा स्वार्थी लोलुप समाज की क्या दशा होती है हम आज देख ही रहे हैं। राजपद के लिए सब कुछ लूट लेने वाले बहुत मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, राजपद के लिए सब कुछ लूट लेने वाले बहुत मिलते हैं, राजपद के लिए सर्वस्व लुटाने वाला केवल राम।
जो तुलसी ये कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसका राम परहित के लिए स्वहित कभी सोच सकता है? आपको नहीं लगता जो ये प्रश्न उठाए गए हैं वे स्वयं ही शंका को धूल धूसरित करते हैं? ये प्रकट कर रहे हैं कि उनकी सोच कितनी सामंती है, जो ये कहते हैं कि धोबी के कहने पर, अरे राम ने तो सोचा ही नहीं कि वह एक धोबी है या क्या है, वह उनके लिए मात्र उनकी प्रजा का प्रतिनिधि है। तो यह है राम की विचारधारा, यह है राम राज्य की आधारशिला, जहां कोई आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है किसी को समान अधिकार देने के लिए। राम के जीवन चरित्र को देखने से एक और पहलू सामने आता है कि महलों में पले बढ़े राम ने साधारण जन की वास्तविक परिस्थितियां अपने युवा काल में विश्वामित्र के साथ और फिर अपने वनवास काल में अनुभव की। उनका बोध वे अपनी संतान को जन्म के साथ ही कराना चाहते रहे हूं। जैसे कि हम जानते हैं राम और सीता एक ऐसे दंपत्ति हैं वहां पे कोई भेदभाव नहीं है स्वामी का और पत्नी का और स्त्री का या दासी का। दोनों ही करुणा के सागर कहलाते हैं। उनकी शैली, कार्यशैली, जीवन के उद्देश्य सभी समान हैं। उनकी दीनहीन सुविधा रहित जीवन यापन करने वालों के साथ यह करुणा की पराकाष्ठा ही तो है कि उस दंपति की इच्छा हुई हो कि वे उनकी संतान का प्रसव ऐसे वातावरण में हो जहां राज्य के अधिकांशतः बच्चे जन्मते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा शस्त्र शास्त्र विद्या के साथ साथ संगीत आदि ललित कलाओं का ज्ञान भी उत्कृष्ट हो, जो वाल्मीकि आश्रम से उचित अन्यत्र नहीं संभव था। राम के जीवन में यदि विश्वामित्र नहीं आते, उन्हें 14 वर्षों का वनवास नहीं मिलता, तो क्या वो उन लोगों की जीवन शैली, कष्ट, संघर्ष कभी जान पाते? वो अपनी संतान को वो कैसे जन-जन से जोड़ें? क्या किसी विश्वामित्र की प्रतीक्षा करें या स्वयं ही इसकी व्यवस्था करें? ये विमर्श अवश्य ही सीता के साथ हुआ होगा, किंतु कार्यान्वित हो गया प्रजा के असंतोष के रूप में। यहां पर मैं धोबी शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूं, क्योंकि इसका कारण मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं। सीता पूर्णतः एक सक्षम व्यक्तित्व थी, जो वन में रहकर सभी विद्याओं में अपनी संतान को निपुण बनाने में वाल्मीकि जी के संरक्षण में पूर्ण अभिभावक की भूमिका निभा सकती थी। राम यूं भी राजकाज की व्यवस्था में अत्यधिक डूबे थे, सीता की भूमिका इस पूरे प्रकरण में वही रही जो राम के लिए विश्वामित्र की थी। यह उस दंपति का एक साझा निर्णय भी हो सकता है। जिस प्रकार रावण द्वारा सीता हरण की योजना को पूर्व निर्धारित करने में राम ने पहले ही सीता को अवगत कराया कि आप अग्नि में प्रवेश कीजिए, आपका हरण होने वाला है, ये सब कथाएं इनकी हम यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसका भान लक्ष्मण तक को ना था। यहाँ भी लोकोर प्रचार का सहारा लेकर यह निर्णय भी पति पत्नी का साझा ही रहा हो, जिसकी भनक किसी को ना हुई हो। यही एक सफल दाम्पत्य है जो किसी दूसरे के द्वारा संचालित या प्रभावित ना हो। उनके इस निर्णय को आगे के कुछ क्षेपकारों ने शायद परित्याग या निष्कासन का रूप दे दिया हो। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि सीता को वन भेजने के स्थान पर उन्हें स्वयं भी सीता के साथ वन गमन कर लेना चाहिए। उस समाज को भी उन्हें भी त्याग देना चाहिए जिसने सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाए। किंतु वह अयोध्या जिसने राम को राजा के रूप में देखने की 14 वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, उसे फिर से आश्रयहीन कर राम अपना राजपद त्याग अपनी प्रिया के साथ वनगमन कर जाते तो यह सर्वथा अनुचित होता। यदि राम ने यह निर्णय लिया होता तो निश्चय ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते, वो भी कहीं दशरथ की भांति पत्नी प्रेम में विवश राजा के रूप में ही याद किए जाते। और इतने प्रेम कथाएं हमारे इतिहास में भरी हुई हैं। राजा रानी की प्रेम कथाओं में एक किस्सा और जुड़ जाता, राम सीता की प्रेम विवाह का, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान रिक्त रहता। ऐसा भी नहीं कि राम ने इस ओर विचार ना किया हो, किंतु अपने पहले वन गमन में राम अपने भाइयों का आचरण देख चुके थे, तब तो 14 वर्ष पश्चात लौटने की आशा थी। अब अगर सिंहासन और राज धर्म त्याग अयोध्या छोड़ने की बात करते तो क्या कोई भाई अयोध्या की शासन व्यवस्था संभालने के लिए सिंहासनारूढ़ होता? कभी नहीं, सब पीछे पीछे वन की ओर चल पड़ते। इसीलिए पुनः यही कहूंगी कि राष्ट्र और समाज में व्याप्त पुरानी मान्यताओं के कारण समाज में स्त्री की स्थिति को बेहतर करने के लिए उस दंपति का साझा निर्णय था। और न केवल राम ने अपितु सीता ने भी वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए अपने पुत्रों को संपूर्ण जानकारी देते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार का कार्य बाल्यकाल से ही आरंभ कर दिया और वन में रहकर भी राज सुधार के कार्य में राम का सहयोग किया। कोई भी परंपरा या मान्यता समाज में धीरे धीरे ही व्याप्त होती है और अपनी अच्छाई के साथ साथ धीरे धीरे विकृत कर दी जाती है। ये वही प्रयास है जो आज भी अपने समाज में स्त्री अधिकार, सुरक्षा, समानता के रूप में आज भी दृष्टिगोचर है। इस आलेख में कुछ बातें आपस में ही विरोधाभास सा प्रकट करती लगेंगी, परंतु ये अलग अलग तरह से उठाए
उठने वाले प्रश्नों के निराकरण के लिए है। अब हम निहायत ही साधारण लोगों द्वारा उठाए जाने वाले तरीके पर बात करेंगे और यही राम की मर्यादा और प्रेम की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। जिस प्रजा में अपनी महारानी को लेकर शंका उत्पन्न हो गई थी और जिसका प्रतिनिधि एक सामान्य जन को दिखाया गया, धीरे धीरे ये शंकाएं सीता तक पहुंचती और वे स्वयं पता नहीं क्या निर्णय लेकर राम से कौन सा वचन मांग लेती। उस अपमान की स्थिति से सीता को बचा ले गए राम, स्वयं पर सीता परित्याग का कलंक ले लिया और सीता को महान बना गए। ऐसी मर्यादा जो अंततः संवेदना को मर्यादा से ऊपर उठा ही ले गई, यही है राम की मर्यादा और प्रेम की पराकाष्ठा। जाते जाते सीता कौन सा वचन मांग ले और रघुकुल वंशी दशरथ की भांति फिर दोराहे पर खड़ा हो जाए। अतः सीता को अनजाने ही वन भेज दिया और स्वयं के लिए एकांतवास चुनकर राजकाज में स्वयं को झोंक दिया। सीता के साथ ही राम भी वन चला गया। अयोध्या में रह गया केवल राजा राम, जो नित अग्नि परीक्षा देता है। वनवासी राम तो विरह से रुदन कर सकता है, परंतु राजा राम नहीं। जितने कटीले पथरीले वन के रास्ते होते हैं, उतने ही कठिन और कंटक भरे राजनीति के पथ और दाम्पत्य के पथ उससे भी कठिन। निसंदेह राम सीता एक संपूर्ण दंपति हैं, जिनके अपने जीवन और उत्तरदायित्वों के प्रति विचार एक है, उद्देश्य एक है, विधि एक है, प्रजा का पालन और सेवा। ये संस्कार तो सीता अपने पिता से पहले ही लेकर आई थी और ये संस्कार संकल्प बन गए जब राजा राम राजा बने। और इस पथ की यात्रा तो दोनों को एक बार फिर से करनी ही थी। रामायण की रचना, वाल्मीकि जी की रामायण की बात कर रही हूं, रामायण की रचना तो आधार ही विरह था। क्रौंच वध से उपजी विरह वेदना छंद रूप में प्रस्फुटित हुई और बारंबार यह विरह वेदना प्रकट होती रही, यहाँ तक कि इस कथा का सुखांत भी विरह वेदना के साथ हुआ। और ऐसा भी यो हुआ सीताराम का कि युगों युगों के लिए अनश्वर अमर संयोग हो गया। सीताराम, जय सीताराम। ये राम कौन है, कैसा है, क्या कभी दोबारा ऐसा आदर्श उपस्थित करने के लिए आएगा कि काल के आगे भी उसकी चर्चा होती रहे। निष्कर्ष स्वरूप हम देखते हैं कि राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, निसंदेह सीता भी उतनी ही प्रशंसा की पात्र हैं। मैं अपनी इस कविता के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। राम की स्वीकारोक्ति, सबने बहुत बलशाली मानते हैं राम को, सबने बल देखा था मेरा, दुर्बलता कोई न देख सका, मैं छुपा रहा तुम चली गई, मैं वो पल भी ना देख सका। मैं कह पाता तो कहता, मैं सह पाता तो कहता, मैं कह पाता तो कहता, मैं सह पाता तो कहता, तुम सबला थी मैं निर्बल था, तुमसे तो मैं दुर्बल था। तुम सबला थी मैं निर्बल था, तुमसे तो मैं दुर्बल था। तुम निर्जन में भी सबल रही, तुम निर्जन में भी सबल रही, मैं महलों में भी दुर्बल था। ये प्रेम ही शक्ति बनता है और दुर्बल भी वो करता है। राम को दुर्बल सिर्फ प्रेम ने किया है ये, और भक्त जानते हैं कि उनके प्रेम में राम अवतार लेके कष्ट सहने को आ जाते हैं इस धरा पर। ये प्रेम ही शक्ति बनता है और दुर्बल भी वो करता है। मैं धनुष उठा तो सकता था पर नयन न तुमसे मिला सका, समय चला चलता ही गया, संताप मेरा ना मिटा सका, हर पुकार बस मन में रह गई, स्वर तुम तक पहुंचा ना सका। जो मैंने तुमसे कहा नहीं क्या ऐसा ही था कहा नहीं, जो मैंने तुमसे कहा नहीं क्या ऐसा ही था कहा नहीं, यदि कह पाता क्या कहता मैं, यदि कह पाता क्या कहता मैं, अपराधी सा बस रहता मैं स्वयं स्वयं से बचा गया, हाँ तुमने मुझे क्षमा किया, मैं आज भी ये दुख सहता हूँ तेरे नाम के पीछे छुपता हूँ, मैं आज भी ये दुख सहता हूँ तेरे नाम के पीछे छुपता हूँ, जब तक ना तेरा नाम जुड़े आधा अधूरा लगता हूँ, जब तक ना तेरा नाम जुड़े आधा अधूरा लगता हूँ, यह भी तो त्याग तुम्हारा है, तुमसे ही प्यार हमारा है, तुम बल थी मेरा सदा रही, चाहे पास रही या जुदा रही, चाहे पास रही या जुदा रही। इति श्री, मेरी ओर से राम कथा अनंत है, इसे कोई पूर्ण विराम दे सके इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं। जय सिया राम। आपने कमाल कर आवाज पूरा क्षेत्र है, आवाज से फैजाबाद।